हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जुलाई 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी, जो सिंगल है, मैरिड कपल्स हैं या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। यहाँ मैं कार्ड शफल करूँगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। टैरो डेक के साथ स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर टैरो डेक के साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग, तो यहाँ से फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर का। तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि फैमिली रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं कपल्स के बीच में, यानी आपके जो पर्सन हैं उनके फादर रेडी नहीं हैं रिश्ते को लेकर, या कहीं ना कहीं उनका डोमिनेशन बहुत है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है, या ये आपके फादर की एनर्जीज भी हो सकती है और ये लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं पीछे गर्ल हैं और यहाँ सारी सिचुएशंस का चार्ज जो है वो आपके फादर के हाथ में है या उनके फादर के हाथ में है और वो इस रिश्ते को लेकर शायद रेडी नहीं है, या उनकी तरफ से कोई ना कोई यहाँ प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपकी लव लाइफ इफ़ेक्ट होती हुई दिख रही है। स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी को दिखाने वाला कार्ड है, तो फैमिली का इंटरफेयर काफ़ी है आपकी लव लाइफ में, इस तरह की एनर्जीज भी खो रही है। और यहाँ से नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एज ऑफ कप्स का, पर ये रिवर्स में है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके लिए प्यार मोहब्बत लेकर आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, आपको काफ़ी कह सकते हैं डीपली उनके इमोशंस शो करना चाहता है, पर अभी शायद आप किसी वजह से रेडी नहीं हैं, इसीलिए वो अपना प्यार का ऑफ़र आपके लिए लेकर आ रहे हैं, पर शायद उसे आप अभी नहीं देखना चाहते। और ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के हैं। शायद उन्हें आपने रिजेक्ट किया है या उनका प्यार आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, इस तरह की स्थिति में है, या अभी आप अपनी पर्सनल हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं इसीलिए किसी लव प्रपोजल को कंसीडर नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए इस तरह की भी एनर्जीज हैं। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ आया है, पर फिर भी ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको लव ऑफ़र दें, इसके काफ़ी चांसेस हैं। मे बी आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन ऐसी है कि अभी शायद आप उन पर ध्यान दें या ना दें, ये बात दूसरी है। और यहाँ से नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कॉइंस का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, यानी वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए यहाँ मैं पर्सन वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत स्ट्रांग पोजिशन पर हैं अपने कैरियर में, इस तरह के ये हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो इस तरह के पार्टनर आपके लिए आ सकते हैं कि ये पावर पोजिशन ये रखते हैं, थोड़ा कम बात करने वाले हो सकते हैं और शाय नेचर के हो सकते हैं, पर ये अपने वर्क एरिया में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं और इनके पास हर तरह की लग्जरी है और इस चीज़ का इन्हें कह सकते हैं स्वाभिमान भी है। पर ये पर्सन जो है वो जैसा अर्थ एनर्जी के पर्सन हैं तो ये ज़मीन से भी जुड़े हैं, इन्हें पता है कि ये सब कुछ बहुत मेहनत के बाद इन्होंने अर्न किया है, अपनी स्ट्रगल से, अपनी कह सकते हैं हार्ड वर्क से इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। इस तरह के पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द मजिशियन का। तो ऐसा लग रहा है कैंसर, यू हैव पावर टू मेक एनीथिंग पॉसिबल, इस तरह की आप सिचुएशंस में रहने वाले हैं, आप बहुत पावर पोजिशन में रहने वाले हैं, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत सही दिशा में जा रहा है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपके लिए पूरा हो सकता है लव लाइफ से रिलेटेड स्पेशली। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है जुलाई मंथ में, और अपना मैनिफेस्टेशन इसी तरह से जारी रखें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, दुआ करें, वो सब प्रेयर्स आपके आंसर हो सकती है। और यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइमिंग लग रहा है, गुड फॉर्च्यून आपके लिए वेट कर रहा है और आपका जो कह सकते हैं आप काफ़ी अलाइनमेंट में लग रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह की एनर्जीज है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का। तो आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, यानी मिथुन, तुला और कुंभ उनकी राशियां हो सकती है। और
ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने कुछ ही चीटिंग और डिसऑनेस्टी को देखा है, किसी ने आपको चीट किया है रिसेंटली, या धोखा दिया है, या कुछ चीज़ें आपसे छुपाई और ये चीज़ आपके सामने रिवील हुई, इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, तनाव में हैं, और कुछ कैंसर जो हैं वो बहुत चिंता में हैं, द्विधा में हैं कि इस पर्सन के लिए वो किस तरह से अपनी राय बनाएं, ये ट्रस्टवर्दी हैं भी या नहीं हैं, लॉयल हैं या नहीं हैं, इस तरह की एनर्जीज है, क्योंकि आप बहुत हर्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, और अगर आप सिंगल भी हैं तो कुछ कैंसर के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अभी फोर श्योर नहीं हो पा रहे किसी पर्सन को लेकर, उनकी सच्चाई के बारे में और ज़्यादा आप सोचना चाहते हैं कि ये पर्सन कितने सही हैं या नहीं हैं, इस तरह की एनर्जीज है, तो किसी का ऐसा लग रहा है किसी पर्सन को आप कंसिडर करना चाहते हैं पर उनसे रिलेटेड ट्रस्ट इशू आपके अंदर यहाँ दिख रहे हैं, पर यहाँ आप फुल मून देख रहे हैं, तो फुल मून डे तक आपको कोई ना कोई क्लियरिटी ज़रूर मिल जाएगी। और नेक्स्ट कार्ड जैसा आपके लिए आ ही गया है, बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है, ट्रू ऑफ कप्स, तो फ्रेंड्स आपके लिए सॉलमेट कनेक्शन आ सकता है, और कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं आप में से, और यहाँ ट्रू ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है कि अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, या जैसा कुछ लोगों का नो कॉन्टेक्ट रहा है, किसी ने आपको चीट किया है, या बहुत सारी परेशानियाँ आप देख रहे हैं, अभी आप इस स्थिति में हैं कि किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैसा एज ऑफ कप्स रिवर्स में आया, पर यहाँ जुलाई के मिड और लास्ट वीक्स में आप अपने सॉलमेट से मिल सकते हैं, और ये आपके बिल्कुल कंपैटिबल होंगे, अगर ये बॉय होंगे तो ये काफ़ी हैंडसम होंगे, अगर ये गर्ल होंगी तो काफ़ी शार्प फीचर्स वाली खूबसूरत गर्ल होंगी और आपके कंपैटिबल होंगी, और काफ़ी लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी के ये पर्सन होंगे, और इनके पास कह सकते हैं कि एक आपको इनसे मिलते ही एक डीप इंटीमेट कनेक्शन फील होगा, और ये कार्ड से ये बता रहा है कि आप अपने सॉलमेट से मिले इसके काफ़ी चांसेस हैं, और जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हो सकता है अप डाउन्स आपके लिए लिखे हैं, जैसा बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, फैमिली रेडी नहीं है, या अभी कुछ आपको पता चला है उनके बारे में सच, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप देख रहे हैं तो वो सब भी आपके लिए सॉर्ट आउट होने वाले हैं, स्पेशली जुलाई के लास्ट वीक्स में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा कुछ सिचुएशंस, अगर स्ट्रगल इस तरह का भी आपके लिए लग रहा है। और यहाँ फेरीज, यहाँ कार्ड आया है फाइव ऑफ वाटमन का, और जो मैसेज है रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर अ कैरियर चेंज, फीलिंग चैलेंज बाय मनी इशूज़। जी ऐसा हो रहा है आपके साथ कैंसर कि आप कैरियर में भी काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड काफ़ी समस्या है, तो फेरीज आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस तरह का आपके लिए मैसेज है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है फोर ऑफ समर, बींग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेलिंग टू सी ए मैजिकल अपॉर्चुनिटी, टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट विद लाइफ। जी फ्रेंड्स, जैसा यहाँ एज ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया होता है, यहाँ से आया है फोर ऑफ समर, तो ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कोई बहुत ही कह सकते हैं अपना कोई पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं दिल ही दिल में, और ऐसा लग रहा है वो अपने इमोशंस शो करना चाहते हैं, पर अभी आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते, या उन्हें आपने रिजेक्ट कर दिया है, या किसी का सच्चा प्यार है, बच्चे की तरह मासूम दिल के ये इंसान हैं, पर अभी आप किसी को देखना ही नहीं चाहते, इस तरह की सिचुएशंस में आप हैं कि अभी प्यार जैसी चीज़ों में आप पढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ कैंसर के लिए ऐसा लग रहा है। तो फेरीज आपको कह रहे हैं कि ये प्रपोजल जो है वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, तो इससे एक चांस आप दे भी सकते हैं, या इस बारे में आप सोच के देख सकते हैं, और हो सकता है ये पर्सन बहुत लॉयल हों, और एक इनोसेंट पर्सन आपके लिए बहुत फीलिंग्स रख रहे हैं, इस तरह का डेफिनेटली लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ फॉर्चून का, और जो मैसेज है फॉलो योर पैशन व्हेन इट्स कम टू योर कैरियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपैशनेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट। जी कैंसर, आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी इस तरह के वर्क में हैं, जैसा कोई आर्ट वर्क करते हैं, या ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, राइटर, पेंटर, या कुछ भी आपका कोई वर्क है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी अलग से दिखने वाली है, और आप काफ़ी पैशनेटली इस काम को करने वाले हैं, और ये चीज़ आपको नेम, फेम और सक्सेस दिलवा सकती है, इस तरह का मैसेज है, उसे आप कंटिन्यू करें। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है अवेकनिंग का, और जो मैसेज है चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस एट टेम्प्रेरी पॉज इन द एक्शन। जी आपको यहाँ कहा गया है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे लव लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, तो अभी आप टेम्प्रेरी पॉज ले सकते हैं एक सिचुएशन में, अभी सब कुछ आप भगवान पे छोड़ दें, आपके लिए सब कुछ ठीक होगा, और इसी तरह का आपके लिए मैसेज आया है, और डिवाइन टाइमिंग भी आपके लिए सब कुछ बेहतरीन होने वाला है फ्रेंड्स, सो गॉड पे ट्रस्ट रखें आप। नेक्स्ट कार्ड आया है एनर्जी ऑरेकल डेक से द थिंकिंग वूमन का, तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये आपके कॉलेज मेट, क्लासमेट रहे हों, इसके काफ़ी चांसेस हैं, और कुछ लोगों के लिए ये टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ऐसा हो सकता है,
ये टीचर हो सकती हैं, लेक्चरर हो सकती हैं, और इस तरह का इनका प्रोफेशन हो सकता है। और 47 नंबर आया है, 4 + 7 11 होता है, तो डेफिनेटली आप अपने सॉलमेट से मिलें, इसके काफ़ी चांसेस हैं। जैसा 2 ऑफ कप्स भी आपके लिए कार्ड आया था। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है हीलर ऑफ द एजेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई चीटिंग देखी है, जैसा रिश्तों में धोखा खाया है कुछ कैंसर ने, और आप अभी सेपरेट भी हुए हो सकते हैं इस वजह से, तो आपके लिए जो पास्ट हर्ट हैं उसको आप भुला कर एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। आप जो भी अभी तक सहन किए हैं उससे आप हील होता हुआ भी अनुभव करेंगे। जुलाई के मंथ में हीलिंग के काफ़ी मौके आपको प्रोवाइड कराएगा यूनिवर्स। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है कम्युनिटी का, तो आपकी कम्युनिटी भी आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाली है, और जैसे पर्सन आपको बताए गए हैं वो आपसे कम्युनिटी में ही मिले, यानी फ्रेंड्स के बीच में ही कोई आपको कॉमन फ्रेंड उनसे इंट्रोड्यूस करवाए, इसके भी काफ़ी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। तो किसी गैदरिंग में आपका जाना हो, वहाँ फर्स्ट टाइम आप लोग एक दूसरे से मिलें, तो लव प्रपोजल आपके लिए किसी कम्युनिटी के थ्रू भी आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है रेस्ट एंड रिजोल्यूशन का, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको योगा मेडिटेशन सजेस्ट किया गया है, और आप अपने रेस्ट और रिजोल्यूशन पर भी ध्यान दें, इस तरह का यहाँ मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड आया है विक्ट्री का, तो आप अगर लव लाइफ में चैलेंजेस देख रहे हैं या जर्नल लाइफ में भी आपके काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, तो यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपना एफर्ट और अपना वर्क जारी रखें, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। आप अपने प्रयासों से कह सकते हैं गिव अप ना करें, आप अपने एफर्ट्स में किसी तरह की कमी ना लाएं, आपके एफर्ट्स बेकार नहीं जाएंगे, और आपको आपके हिस्से में जीत लिखी है। 28 नंबर आया है, 2 + 8 = 10 होता है, तो आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट और कम्प्लीशन पाने वाले हैं। और यहाँ से अगर हम देखें, आपके लिए ऑस्ट्रोजन कार्ड से आया है फर्स्ट कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन का, पर ये रिवर्स में आया है, तो अभी तक काफ़ी भ्रम और दुश्चिंताएं आपको घेरे हुई थी, पर आप उनसे दूर होने वाले हैं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आपके लिए आने वाला है, और आप बहुत विजडम भी गेन करने वाले हैं, इस तरह का मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है पोस्टपोनमेंट का, तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स आपके पार्टनर जो हैं वो भी अभी कहीं ना कहीं सिचुएशंस बहुत स्ट्रगलिंग फेस कर इस तरह की सिचुएशंस में आ गए हैं कि वो अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे, और दोहरे मार्ग पे खड़े हैं, या दो सिचुएशंस एक साथ देख रहे हैं अपनी, वो काफ़ी कह सकते हैं द्विधा वाली स्थिति में हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उन्होंने अभी सब कुछ उन्होंने भी कहीं ना कहीं डिसीजंस जो हैं उनको होल्ड पे रखा है, इस तरह की उनकी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्लीनिंग टू द पास्ट, तो जो भी पास्ट इश्यूज है फ्रेंड्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उसे अगर आप भुलाते हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत कुछ लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ नंबर 5 आया है, तो एक पॉजिटिव चेंज आप अपने लव लाइफ में देखेंगे। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, तो अगर आप सिंगल भी हैं, तो आपको के लिए यहाँ कहा गया है कि पास्ट एक्सपीरियंस जो भी है उसे भुला कर एक नई शुरुआत करें, आपके लिए लाइफ में काफ़ी कुछ नया और पॉजिटिव होना लिखा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है लेजीनेस का, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ लेज़ी ना होने के लिए कहा गया है, और इस तरह की यहाँ मैसेज आई है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो यहाँ नंबर 9 आया है, आप काफ़ी स्टेबल और सेफ सिक्योर फील करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको यहाँ लेज़ीनेस से दूर रहने के लिए कहा गया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कैंसर जो पर्सन आपके लिए आ सकते हैं स्पेशली जुलाई मंथ में, उनकी इनिशियल्स क्या होंगे, जोडिक साइन क्या होंगे, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट अगर हम उनके इनिशियल्स देखें जो आपसे जुड़ सकते हैं, उनका नाम स्टार्ट हो सकता है वाई से, टी से, एस, ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं, आई, सी, पी, ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। जो अगर हम उनका जेडिक साइन देखें तो एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, कुंभ राशि के हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, लीब्रा भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तुला राशि के हो सकते हैं, और एरीज भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, यानी मेष राशि के हो सकते हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन बने या आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हैं। और आपके पार्टनर आपको इस मंथ में क्या मैसेज देना चाहेंगे ये भी हम देख रहे हैं। आई फील अलोन एंड मिस यू अलॉट, जी आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यू मेक मी हैप्पी एंड आई हैव समथिंग टू टेल यू, जी आप उन्हें बहुत खुशी देते हैं और उनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, ऐसा कुछ मैसेज है आपके लिए। आई हेट हाउ मच पेन आई हैव कॉज्ड यू, सॉरी, जी आपके पर्सन सॉरी मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दर्द दिया है आपको, ऐसा मैसेज है। आई वॉन्ट दिस यूनियन, जी वो चाहते हैं इस यूनियन को और आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, एंड यू
आई थॉट यू वुड चेज मी जी, ऐसा भी मैसेज है। द मोर आई पुश यू अवे ओनली मेक्स मी वॉन्ट यू मोर जी, जितना वो अपने आप को पीछे धकेलते हैं आपके रिलेशनशिप से, वो उतना ही आपके प्यार में पड़ जाते हैं। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एक मैसेज और ले रहे हैं। आई फील हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विथ यू, उन्हें ऐसा फील होता है आपके लिए। तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए हैप्पी मंथ कैंसर्स।